तो गाइज, क्या आपका भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन बहुत ज़्यादा लैग करता है आपके एंड्रॉइड डिवाइस में? कोई बात नहीं गाइज, मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का लैग बिल्कुल फिक्स कैसे कर सकते हो। उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज देखो, माइनक्राफ्ट का जैसे जैसे अपडेट आ रहा है वैसे वैसे माइनक्राफ्ट में लैग बढ़ते जा रहा है और आपके फ़ोन में वो लैग हो रहा है। अब माइनक्राफ्ट का नाम चेंज करके लैग ही माइनक्राफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि माइनक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा लैग होता है। बंदे तो आप खेल ही नहीं पाते जैसे माइनक्राफ्ट पहले खेलते थे। लेकिन इसका मैं सॉल्यूशन ला चुका हूँ, आप भी आराम से अभी माइनक्राफ्ट को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसा क्लाइंट जिसकी मदद से आपका माइनक्राफ्ट का लैग बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और यकीन मानो, ये वाला क्लाइंट मेरे हिसाब से यार एक नंबर क्लाइंट है और आपका लैग बहुत हद तक फिक्स करता है। अगर आप पीवीपी करते हो, बैड वॉर्स खेलते हो या फिर सर्वाइवल नॉर्मल गेम प्ले खेलते हो, तो ये आपके काफ़ी मदद करने वाला है। इसमें अपडेट्स आ चुके हैं, इस अपडेट्स में आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे ऐसे चीज़ देखने को मिलेंगे जो कि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के क्लाइंट्स में आते हैं। देखो, बेसिकली क्लाइंट का मतलब ये होता है कि आपका FPS इंप्रूव करता है और आपके माइनक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा लैग फ्री बनाता है, यानी कि लैग नहीं होने देता। इसमें ऐसी सेटिंग्स आई है जिसकी मदद से आप अपना FPS कम ज़्यादा कर सकते हो। बहुत कुछ ऐसे ऐसे सेटिंग्स है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे FPS यानी कि फ्रेम रेट यहाँ पे अपना बदल सकते हो, यानी कि 100 से लेके अनलिमिटेड जितने FPS चाहो उतना FPS सब कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे इसमें अपडेट्स आए। तो गाइस, तो आप इस क्लाइंट को एक बार ला के देखना अपने माइनक्राफ्ट में, यार आपका माइनक्राफ्ट एकदम स्मूथ यानी कि मक्खन की तरह चलेगा, कोई भी लैग नहीं आएगा। ये मैं बता रहा हूँ यार, आप लोग इसको ट्राई करके देखना। वो भी बताऊंगा कैसे इसको लगाना और क्या क्या करना होता है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखो आराम से। एंड गाइस, इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे देखो आर्मर वुड है, डायरेक्शंस बता रहे हैं आपके नीचे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, और यहाँ देखो कोऑर्डिनेट्स एंड बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ का ग्रास का टेक्चर पैक देख लो, ये भी बदल चुका है। अभी मैं आप लोगों को देखा था TNT टेस्ट, जो कि काफ़ी सारे बंदे सोच रहे होंगे TNT टेस्ट। ये देखो यार, आप लोग देखो TNT बेसिकली लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो आपका फ्रेम रेट होता है वो मायने रखता है। तो यहाँ देखो मेरा फ्रेम रेट काफ़ी अच्छा है, तो अभी ये देखो थोड़ा भी लैग नहीं हुआ। जब मैंने TNT ब्लास्ट किया तो कोई भी लैग नहीं हुआ। ऐसे ही आपका ये काम करता है। और यहाँ से देखो ये सब कितने सारे अच्छे अच्छे फंक्शन है जो कि आपको यूज करने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को जो ओर्स देखने को मिलते हैं, ओर्स पे आउटलाइन आती है कुछ ऐसे। ये देखो, ये सबको बेसिकली कम कर दिया जाता है जिससे मतलब आपका लैग काफ़ी हद तक फिक्स होता है। और यहाँ पे आप लोगों को केप मिलेगा, आपके हेल्थ बार देखने को मिलेंगे। और यहाँ नेदर का, ये देखो नेदर का कुछ ऐसा रहता है, नेदर में भी काफ़ी लैग करता है लेकिन अब लैग नहीं करने वाला, नेदर भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। सो गाइस, तो है ना काफ़ी अच्छा क्लाइंट। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इसको अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ऐड करना है और कैसे इसको लगाना होता है, तो चलो बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से रीड कर लेना। मैंने बता रखा है कि उसमें कैसे माइनक्राफ्ट में ऐड करना है, ठीक है ना। तो माइनक्राफ्ट को उस क्लाइंट को ऐड कर लेना। माइनक्राफ्ट में ऐड करने के बाद आपको जाना है ग्लोबल रिसोर्स में, जो कि सेटिंग्स में है माई पैक्स में। और यहाँ से ये देखो टर्टल क्लाइंट या फिर पैक, इसको एक्टिवेट कर लेना। और यहाँ पर एक्टिवेट में जाकर सेटिंग पर क्लिक करना। और देखो, अगर आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा है तो आप लोग यहाँ पर जो भी सेटिंग कर लेते हो, अगर आपका फ़ोन काफ़ी बेकार है तो यार वन चंक रेंडर डिस्टेंस कर लेना। मेरे को यहाँ काफ़ी सारे यहाँ पर सेटिंग्स है, तो यहाँ पर मैं रियलिस्टिक केप रखता हूँ क्योंकि मेरे को केप काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप भी केप वाले लगाना चाहते हो तो बेसिकली अपना केप पर सिलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, आपके में ध्यान रखना कि आपके जो कैरेक्टर है उसमें केप लगाओ, नॉर्मल केप जो कि डिफ़ॉल्ट केप आता है ये वाला, तो ये वाला इक्विप होना चाहिए तभी आप में केप भी दिखेगा। तो ये लगा लेना, तो मैंने ये लगा रखा है। अभी मैं अपना वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ और दिखाता हूँ ये कितने अच्छे से चल रहा है। ये देखो यहाँ पे आएगा, साइड में भी लिखा रहा है टर्टल पैक या फिर टर्टल क्लाइंट जो भी कह सकते हो। और ये देखो ग्रास ब्लॉक में कोई एनिमेशन नहीं है जिसकी वजह से आपका लैग बहुत हद तक कम होगा। तो आप लोग नॉर्मली खेल सकते हो इस वन क्लाइंट को लगा के, और ये जी काफ़ी अच्छे से आप लोगों को चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये स्मूथ चलेगा, आराम से आप प्ले कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब करना। मैं उनका नेक्स्ट मिनट का वीडियो में, बाय बाय एंड पीस आउट।